हाँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले। आती मुझे एक लड़के का फोन आया था, मुझे कह रहे थे कि 8 से 12 तारीख तक तो आंसर की आ जाएगी, शायद आ जाएगी हो कि देखा होगा, मुझे तो नहीं पता, बताना मुझे भी आई कि नहीं। और फिर कह रहा है कि 20 तारीख तक परिणाम आ जाएगा। लोगों को ये पता नहीं कि चेयरमैन साहब है ही नहीं तो कहाँ से परिणाम आएगा। मैं आपको बता दूं 22 तारीख तक चेयरमैन साहब आएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 22 तारीख वाला जो वीक है उसी वीक में आपका परिणाम जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यानी कि इसी महीने में परिणाम तो आपका जारी होगा, इसी महीने मेरी बात हुई है, इसी महीने में आपका परिणाम जारी होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 22 तारीख वाले वीक में ही आपका परिणाम जारी हो, 22 वाले वीक में आपका परिणाम जारी हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो गुजरात रहूंगा, ठीक है, 21 को निकल जाऊंगा, 22 को शायद मैं 21 को निकल जाऊंगा तो गुजरात रहूंगा, 22 तारीख को देखना कुछ लोग जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर कहेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वीक में जारी होगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम, जो लोग आपको कह रहे थे 20 तक जारी होगा, आज के परिणाम के साथ ही जारी होगी, ठीक है ना, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। तो वो ये चीज आगे करने वाले जो मैं आपको बता दूं, वो 22 या 23 तारीख आके फोटो डाल के खींचेंगे, इस वीक में जारी होगा, हमारा संघर्ष कामयाब है, जैसे शिक्षक भर्ती के विस्तृत सिलेबस के लिए कह रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आदत नहीं सुधरेगी उनकी कॉपी पेस्ट करने से। हाँ, जो 1400 का जो आंकड़ा बता रहे थे आप लोग कि इतने लोग ही पास हो रहे हैं, वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है, मैंने पता कर लिया वो बिल्कुल गलत है। अब कई इंटरनल चीज है, मैं नहीं बोलूंगा, इसको इश्यू बना लेंगे, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आंकड़ा गलत है। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन, हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, बोनस नहीं दिए जा रहे, कहते बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा 5-6 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं 8 का भी अफवाह बता रहे, 8 भी मुश्किल है, मेरे हिसाब से 8 भी नहीं होनी चाहिए, बेसिक में दोनों में हो सकते हैं, 4 2-2 पेपर थे आपके, तो किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, ऐसे कुल मिला के 5-6 या 4-6 जो भी है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है, मैंने रात तक पता करने की कोशिश की थी, और बोनस अंक नहीं मिल रहे, डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि कई बार डबल मीनिंग से कई अर्थ निकल जाते हैं एक, है ना, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट की जो राय होगी, क्योंकि न्यायालय भी कई बार प्रश्नों का विवाद होता है तो वो कहता है एक्सपर्ट कमेटी गठित करो, एक्सपर्ट कमेटी की राय को ही वो न्यायालय भी मानता है कई बार, तो वो एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के आधार पर ये निर्णय करे। लेकिन इतना मैं बता दूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात चल रही है आप लोगों को, क्योंकि 22 तारीख वाले वीक में आप लोगों को खुशखबरी मिले, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस महीने में आपका परिणाम जारी होगा। अब लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को क्यों गए थे, 8 तारीख को जाने का यह परिणाम रहा कि सोशल मीडिया पर सब जगह कंप्यूटर अनुदेशक एक दबाव बना है, एक चीज उठी है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 2 महीने से नहीं आया, लोग आवाज उठा रहे, तो वो हम चाहते थे कि हमारी आवाज बुलंद हो, कंप्यूटर अनुदेशक वाले शेर जानते हैं, इनकी आवाज इतनी बुलंद होती है, राजस्थान से लेकर यूपी तक बुलंद हो जाती है, दिल्ली में बुलंद हो जाती है, तो बुलंद हुई है, परिणाम मिला, अभी परिणाम मिलेगा, और जो लोग हैं उनसे आप बच के रहिए, कौन है कॉफी पेस्ट वालों से आप बच कर, मुझे नहीं पता कौन है, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भैया कोई ये कह रहा है, नाम भी आप लोगों ने बताया कि 8 से 12 को आंसर किया जाएगी और 20 तक परिणाम आ जाए, दोनों चीजें फेल हो गई, वो शायद आप लोग भेज रहे हैं, मैं तो उनसे दोबारा पूछिए कहाँ डाला, उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा या कर देंगे नई अपडेट फिर कर देंगे, वो क्या हर भर्ती में करते हैं, हर भर्ती में ऐसे ही करते हैं कि टेक्निकल कर देते नहीं होते थे, फिर प्रयास मैं करता हूँ, संघर्ष मैं करता हूँ, अपने प्रयास किया, संघर्ष किया, और मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई, वो बाहर है लेकिन मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आते ही वो कर देंगे जारी, तो वो परिणाम जारी होगा, तो वो हमारे संघर्ष का परिणाम, आपके संघर्ष का परिणाम, फिर देखना हमारी जीत हुई।